देख कर कपड़ों पे पहनी क्यों? तवज्जो है ना सर, कुरान हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि इत्तकु तोमत के मकामात से बचो, जहां तोमत तुम्हें लगने का अंदेशा हो वहां से बचो, और शुबहात जहां पड़ते हैं उन शुबहात में जाने से बचो। लेकिन मैं एक बड़ी आम बात करने लगा हूं, मैंने इस पर एक दो तीन जगह पर खिताब भी किया, बड़ा हमने उस वाक्य को कंडेम किया जिन लोगों ने उस बच्ची को हरासा किया, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि यार ये कुरान पाक है, और कई लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। आप माशाल्लाह इंटरनेट के देखने पढ़ने सुनने वाले लोग हो, इंटरनेट पे ऐसे कपड़े मौजूद हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, बेशक, यानी ये जो बैरूनी ममालिक में ऐसे कपड़े मौजूद हैं कि जिन पर पूरा सूरह यासीन है और अल्लाह रसूल का नाम बाकायदा लिखा हुआ है, अलहमदो शरीफ पूरी लिखी हुई है, और वो लोग पहनते हैं। तो ये चीज तो लोगों के जहन में है कि गुस्ताखियां करने वाले इस तरह की गुस्ताखियां कर रहे हैं। अब यहाँ डाउट हो गया, लेकिन फिर भी उलमा का अच्छा किरदार आप देखें कि इस मसले को कंट्रोल किसने किया, उलमा ने किया। चलो जी, वो तो जाहिल अवाम थी, जज्बाती मौलवी थे, उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ कि चंद दिन कबल असेंबली में एक लड़की गई, औरत गई, उसको जिन्होंने लोटे मारे, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने उसकी तरफ पत्थर फेंके, उठे क्यों नहीं बोले लिबरल? बताओ ना, वो भी तो औरत थी, तुम कहते जी औरत भी आवाजें कसी, तो वहां जो औरत को नंगी गालियां दी गई, यहाँ पर चलो जाहिल लोग हैं, बाजार है, बाजार में जो हला है, कोई रेड़ी वाला है, कोई क्या है, कोई इल्म नहीं है। जिन्हें तुमने असेंबलियों में भेजे हुए वो तो बड़े इल्म वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ लिबरल क्यों नहीं बोले, यहाँ दीन बाजार तबका क्यों नहीं बोला? मुझे नहीं पता है वो कौन सी सियासी जमात थी और क्या, मैं चक्करों में नहीं पड़ता, मैं उस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि अगर एक औरत मुश्तबे कपड़े पहने, उस पर जाहिल लोग आवाजें कसें, और फिर उलमा खुद उस लड़की का दिफा करें, समझाएं कि भाई ऐसा कानून को हाथ में नहीं लेना, फिर भी तुम सारे दो टक्के के साथी बैठ के तुम टीवियों पर तुम घंटे घंटे के शो करो और कहो कि जनाब ये मौलवियों ने कौम को जनाब आग लगाई हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ वो जो असेंबली में एक औरत के साथ ये तजलील की गई, उस पर क्यों नहीं बोले? बेशक बेशक, वहां तो मौलवी नहीं थे, एक बंदा भी बोला उस पर पता है क्या कहा है? ये सियासी बड़ा बड़ा पाकिस्तान के अंदर देखे ना जी, सियासी जो ना बर्दाश्त है, वाहौटी मैं उनकी कह भली खैर हो जाए बंदे जो पुत्र हो, यानी दीन के मामले में उलमा किसी चीज को वो ना भी एक्ट करें, फिर भी तुम्हारी सुई उलमा के खिलाफ अटकी हुई है, और यहाँ पढ़े लिखे लोग गड़बड़ करें वहां तुम नहीं बोलते हो। पता चला मसला ना औरत का है, मसला ना किसी और इंसानी हकूक का है, असल मसला तुम्हें दर्द है दीन का। और बाबा जी कहा करते थे टीके असी तुहानू लांदे रहांगे, दर्द असी तुहानू देंदे रहांगे, तुम चलते रहोगे और हम ये कहते रहेंगे, कल भी दिलों पे राज था।